नमस्कार, दिन भर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आइए रुख करते हैं दिन भर की टॉप खबरों की तरफ। पहली खबर में आपको बताने जा रहे हैं कि आज रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम गठित हो गई है। सुरजीत झा को सचिव पद मिला है, वहीं शेषमणि पांडे को कोषाध्यक्ष, उपसभापति के पद पर नीरव किशोर और सभापति का पद समीर दुबे को मिला है। दूसरी खबर महागामा से आ रही है, जहां आज एबीवीपी महागामा के द्वारा महागामा दक्षिणी पंचायत भवन में एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी कार्यक्रम राम मंदिर निर्माण में हमारी भूमिका को लेकर बैठक की गई, जिसमें सभी प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। कुछ दिन पहले दुमका में एबीपीपी दुमका के जिला संयोजक आदित्य रावत की आकस्मिक निधन को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित भी किया गया। तीसरी खबर भी महागामा से ही है, जहां महागामा वासियों के लिए एक शुभ समाचार है कि नगर पंचायत द्वारा जो होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा था, उस होल्डिंग टैक्स की समय अवधि नवंबर से समाप्त हो गई थी, जिसके बाद जुर्माना के साथ होल्डिंग टैक्स कटाया जाना था। वह महागामा नगर पंचायत घोषित होने के बाद नगरवासियों द्वारा होल्डिंग कटवाने में विलंब हो चुका था, जिसके बाद आज मिली सूचना से अनुसार आपको बता दें कि होल्डिंग टैक्स की समय अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं नगर पंचायत टीम लीडर राजकुमार सिकदार ने बताया कि बिना ब्याज एवं जुर्माने के नवंबर तक ही होल्डिंग टैक्स काटने का डेट था, जो आज बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है, जो कि महागामा वासियों के लिए काफी शुभ संकेत। चौथी खबर देवघर से आ रही है, जहां मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर छापेमारी कर देवघर का कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि बाबा परिहस्त पर हत्या, रंगदारी, मारपीट सहित 14 कांडों में अभियुक्त बनाया गया था। इसमें मुख्य रूप से चंदन मठपति और निमाज मिश्रा हत्याकांड में वो अभियुक्त था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके ऊपर लगातार दबिश बनाने के बाद भी सरेंडर नहीं कर पा रहा था। इसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बार अपने नए साल के जश्न को बनाएं और भी खास, विलेज फार्म रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट एंड एसोसिएटेड विद सेवंथ हेवन के साथ फायरवर्क्स, बॉनफायर नाइट एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट के साथ वेज एंड नॉन वेज डिनर की व्यवस्था आपके शहर गुट्टा में पहली बार सिर्फ 499 रुपए प्रत्येक व्यक्ति एंट्री फीस का शुल्क है जो आपको देना है। और 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से रात के 12 बजे तक पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, 6 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री मुफ्त है। तो है ना ये बम्पर ऑफर, तो देर किस बात की, जल्द ही दिए गए नंबर पर बुकिंग करवाइए और अपनी टेबल बुक कीजिए, क्योंकि टेबल सीमित है। जल्दी करें, कहीं आपके नए साल का जश्न बना रह जाए। अगली खबर भी देवघर से ही है, जहां नववर्ष के आगमन को लेकर बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था का व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर मास्क लगाने वाले श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित करते हुए प्रांगण में उपस्थित अन्य श्रद्धालुओं व पुरोहित समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर न केवल आप कोरोना के चपेट में आ सकते हैं, वरन अन्य दूसरे लोगों को भी संपर्क में आने से कोरोना प्रभावित हो सकते हैं। अगली खबर गोड्डा से है, अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने कहा है कि नववर्ष 2021 के अवसर पर आम नागरिकों द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों एवं दूर दराज के पिकनिक स्थलों के समीप पिकनिक पार्टी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर होटल एवं रेस्टोरेंट में आम नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क एवं थर्मल स्कैनिंग आदि का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। अतः कोविड-19 के मद्देनजर होटल एवं रेस्टोरेंट में आम नागरिकों के सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क एवं थर्मल स्कैनिंग आदि का प्रयोग किया जाना अनिवार्य बताया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के दिशा निर्देश का अवहेलना करने पर संबंधित होटल रेस्टोरेंट के संचालक के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं कि पोटैट विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात कर सरकार के 1 साल पूरे होने पर बधाई दी एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इस नई सरकार के बनते ही कोरोना जैसी महामारी का सामना हुआ और इस संघर्षपूर्ण दौर में भी सरकार के द्वारा गरीब मजदूरों के प्रति उठाए गए हर एक कदम को उभर कर सामने आया है। यह सरकार मजदूरों और मजलूमों की आवाज़ बनकर उभरी है, ऐसा प्रदीप यादव कहते हैं।